Yes. एक बार एक राजा था, पुरानी बातें से बहुत राजा था। राजा ने अपने जो मंत्री था उसको उसको बोला कि भाई किसी एक ऐसे बंदे को ढूंढो जो एक बुक लिख दे जिसको पढ़ते ही बंदा सफल हो जाए। एक ऐसी बुक लिख दे जिसको पढ़ते ही बंदा सफल हो जाए। तो राजकुमार ने ऑर्डर दिया गया उस चीज का, एक बुक लिखी गई बहुत मोटी सी, और बंदे को बुलाया गया। बंदा आया, बताया कि भाई ये मैंने बुक लिखी है जिसको अगर पढ़ ले कोई बंदा तो सफल है। तो राजा ने उसको बुक उठाई और उसको पढ़ना स्टार्ट किया। 10-15-20 पन्ने पढ़े और राजा बोला यार इतना काम नहीं चलेगा, इसको थोड़ा कम में करो। तो राजा का आदेश माना गया, उसको 20-25 पन्नों में कवर किया गया। जैसे राजा के पास पहुंचा, राजा ने एक दो पन्ने पढ़े उसके, तो ये बोला कि यार अभी भी 20-25 पन्ने ज्यादा है, इसको ऐसा करके एक पेज में ही समाओ। कैसे भी करके एक पेज में सारी चीजें लिख दो कि एक पेज से ज्यादा ना जाए। तो एक पेज में लिख के लाया, उसको पेज बड़ा था, एक फुट साइज से भी बड़ा वाला पेपर लेके उसमें लिख के लाया। फिर जैसे ही पहुंचा तो राजा ने बोला भाई इतना भी नीचे लगा, ऐसा करो लास्ट एक लाइन में लिख दो। तो उसने एक लाइन लिखी और पेपर फोल्ड करके राजा को देने वाला, अगर ये एक लाइन है जिससे कामयाब हो जाओगे। जानना चाहोगे लाइन क्या है? लाइन लिखी थी काम तो करना पड़ेगा। क्योंकि होता क्या है कि भारतीय दुनिया में बताया गया कि भाई इस बिजनेस में आना और आपको कुछ नहीं करना। काफी लोग गलत धारणा डाल देते दिमाग में कि भाई इस बिजनेस में आपको कुछ नहीं करना, आ जाओ और कुछ नहीं करना पैसा आने लग जाते। यही सबसे बड़ी गलत चीज है जो बंदों के माइंड में जाती है। आप खुद बताओ, आज अगर मैं बात करूं 50,000-60,000 रुपए की नौकरी की अगर मार्केट में, तो भाई कितनी पढ़ाई मांग रहा है बिजनेस? मतलब 14-15 हजार रुपए अगर 50,000-60,000 रुपए की कोई भी नौकरी अगर तलाश करते हैं